गौरव, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आ जाती है कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने एक अपनी पूरी लिस्ट शेयर की थी दुनिया के सामने, रूस के सामने, कि कितने एटॉमिक वेपन्स उन्होंने डिप्लॉय किया है और वो रूस से भी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे दौर में अमेरिका वहां मौजूद है, इससे जुड़ा एक सवाल हम लेंगे, एक अपडेट देते चले लौट रहे गौरव आपके पास। लौट रहे, देखिए जापान में जारी G7 समिट में ग्लोबल लीडर्स पहुंच चुके हैं और जबकि विशेष रूप से आमंत्रित पीएम मोदी थोड़ी देर में जापान के लिए रवाना होंगे। G7 समिट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और इटली की पीएम जियोगिया मिलोनी हिरोशिमा पहुंच चुकी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर रहेंगे और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उसका हम जिक्र करेंगे, उस पर चर्चा होगी, जिसमें जो ऑन गोइंग वॉर है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे ग्लोबल इश्यूज हैं उन पर भी बात होगी। और आज देखिए जापान के हिरोशिमा में महाशक्तियों का मिलन होने वाला है, G7 का महामंच तैयार है। पीएम मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के अलावा कूटनीतिक लिहाज से पीएम का यह दौरा काफी अहम है। G7 के मंच पर पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात होगी। इसके अलावा क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी चर्चा होगी। जापानी मीडिया की माने तो ज़ेलेंस्की भी G7 में पहुंच सकते हैं और ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए जापान में होने वाले G7 समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव है यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। देखिए संभावित मुद्दे क्या हैं, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एनर्जी, परमाणु निशस्त्रीकरण, यह बड़ा मुद्दा है। चीन रूस का मसला एक अहम मुद्दा है, खासकर जापान के लिए चीन बहुत बड़ा मुद्दा है। शांति और स्थिरता एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होगी। फूड सिक्योरिटी, जी हां, फूड सिक्योरिटी की चर्चा बेशक इसमें होगी क्योंकि दुनिया जिस तरह से बदली उसमें ये समस्या भी उभर कर सामने आई है। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं, अपडेट देते रहे हैं, हम उनके पास जाते रहेंगे। जो भी हलचल हिरोशिमा में है इस वक्त उसको लेकर